पंजाब दे विच लगातार सामने आ रही चोरी दियां वारदातां अजिही ही एक घटना पतड़ा तो सामने आई है जिथे भांड्यां दी दुकान नू चोरां ने बनाया निशाना कीती 5 लाख रुपए की चोरी मौके जी हाँ असं तुहानू दस देना चाहते हाँ कि शहर जी हाँ असं तुहानू दस देना चाहते हाँ कि शहर के मेन बाज़ार दे विच वेद बर्तन हाउस की दुकान दे विच रात दे समय चोरी होने की घटना आई सामने जिस की सूचना मिलन तो तुरंत बाद ही पुलिस ने मौके के उपर पहुँच के स्थिति का लिया जायजा। सीसीटीवी कैमरे के विच घटना हुई कैद। दुकान मालक ने जानकारी देंदे हुए दसिया है कि वह रोज़ की तरह ही दुकान बंद करके गया सी। अते जद वह सवेर वेले आया तो दुकान का सारा समान अते कागज़ बिखरे पए सी। अते इस दे नाल ही चोर 5.5 लाख रुपए की नकदी लैके फरार हो गए कि शहर के मेन बाज़ार के वेद बर्तन हाउस की दुकान के रात के समय चोरी होने की घटना आई सामने जिस की सूचना मिलन तो तुरंत बाद ही पुलिस ने मौके के उपर पहुँच के स्थिति का लिया जायजा। सीसीटीवी कैमरे के विच घटना हुई कैद। दुकान मालक ने जानकारी देंदे हुए दसिया है कि वह रोज़ की तरह ही दुकान बंद करके गया सी। अते जद वह सवेर वेले आया तो दुकान का सारा समान अते कागज़ बिखरे पए सी। अते इस दे नाल ही चोर 5.5 लाख रुपए की नकदी लैके फरार हो गए कि शहर के मेन बाज़ार के वेद बर्तन हाउस की दुकान के रात के समय चोरी होने की घटना आई सामने जिस की सूचना मिलन तो तुरंत बाद ही पुलिस ने मौके के उपर पहुँच के स्थिति का लिया जायजा। सीसीटीवी कैमरे के विच घटना हुई कैद। दुकान मालक ने जानकारी देंदे हुए दसिया है कि वह रोज़ की तरह ही दुकान बंद करके गया सी। अते जद वह सवेर वेले आया तो दुकान का सारा समान अते कागज़ बिखरे पए सी। अते इस दे नाल ही चोर 5.5 लाख रुपए की नकदी लैके फरार हो गए। शहर के मेन बाज़ार के वेद बर्तन हाउस की दुकान के रात के समय चोरी होने की घटना आई सामने जिस की सूचना मिलन तो तुरंत बाद ही पुलिस ने मौके के उपर पहुँच के स्थिति का लिया जायजा। सीसीटीवी कैमरे के विच घटना हुई कैद। दुकान मालक ने जानकारी देंदे हुए दसिया है कि वह रोज़ की तरह ही दुकान बंद करके गया सी। अते जद वह सवेर वेले आया तो दुकान का सारा समान अते कागज़ बिखरे पए सी। अते इस दे नाल ही चोर 5.5 लाख रुपए की नकदी लैके फरार हो गए।